हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव गोल्ड। रूपा रानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बंगाली आलता डिज़ाइन, जो कि बहुत ही बोल्ड है और इस टाइप का डिज़ाइन बंगाल में लगाया जाता है, इसलिए मैं ये डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसमें बताऊँगी कि ये इस टाइप से क्यों लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे अपने पैरों पे आज आलता लगाकर नहीं दिखा रही हूँ, आज मैं किसी और के पैरों पर आलता लगाकर दिखा रही हूँ। तो ये जो आलता डिज़ाइन है वो बंगाली आलता डिज़ाइन है और मैं इसका नाम बंगाली आलता इसलिए रख रही हूँ। और इसमें जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो बंगाली महिलाएं होती है वहाँ पे हर चीज़ बोल्ड होता है, यानी कि बंगाली जो स्त्री होती है उसका हर चीज़ मेकअप से लेके पैर का आलता या महावर सब चीज़ बोल्ड बोल्ड होता है। और बंगाल में लोग महावर कम ही लगाते हैं, वहाँ पे लोग आलता लगाया करते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ जो आलता मैं लगा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो जैसा कि आप अगर कहीं देखे होंगे फ़ोटो, जो लोग नहीं जानते हैं कि बंगाल के लोग जो महिलाएं हैं वो किस तरह से मेकअप करती है या किस तरह से तैयार होती है, तो आप कहीं कहीं देखे होंगे कि जो बंगाली महिलाएं होती हैं उन लोगों का बिंदी भी बहुत ज़्यादा बोल्ड यानी बड़ा होता है, मतलब दूर से ही आप पहचान जाओगे कि वो बंगाली है। काजल भी जो है बंगाली महिलाएं मोटी मोटी लगाते हैं, एकदम बहुत मोटी। और उसके बाद जो आलता लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होता है, यानी कि दूर से ही आप देखोगे तो उनका जो हर चीज़ है वो डार्क और बोल्ड लगता है। जैसे कि मैं यहाँ आलता लगा रही हूँ तो आलता भी मैं बहुत ही मोटा लगा रही हूँ, इतना मोटा मैं आज तक अपने वीडियोस यानी जितना भी मैं आलता क्लास लेकर आई हूँ उसमें आज तक मैं इतना मोटा आलता कभी नहीं लगाई हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा मोटा आलता है और इसलिए मैं इसका नाम दी हूँ बंगाली आलता डिज़ाइन। और इसमें मैं बहुत ही नॉर्मल लगने वाला ही बना रही हूँ डिज़ाइन, जैसा कि मैं जो बेसिक लाइन होता है उसको मैं बहुत ज़्यादा मोटा रखी हूँ, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं यहाँ जो उंगलियों के बीच में इस तरह से घुसा घुसा कर लगा रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे केवल नेल्स यानी जो नाखून है नाखून के गोल गोल ही मैं केवल रंग कर रही हूँ। और ये मेरे पास आलता है, महावर नहीं है। और बंगाल में जो महिलाएँ होती है वो आलता लगाती है ज़्यादातर, मैंने महावर नहीं सुना है और महावर का मैं नहीं जानती हूँ। तो इसी तरह से देखिए, पहले मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच ले रही हूँ। तो सबसे पहले लाइन खींच लेना है, और अगर आप कहीं पूजा करने जा रहे हैं तो भी इस टाइप का डिज़ाइन लगा सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये बंगाली डिज़ाइन है तो बंगाल के लोग ही लगाएंगे, आप भी लगा सकते हो, चाहे वो झारखंड या बिहार के लोग हों या यूपी के लोग हों या फिर इंडिया में कोई भी स्त्री हो तो इस टाइप का डिज़ाइन लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। मतलब पैर जो है वो काफ़ी भरा भरा लगता है, इसको बहुत से लोग पैर भरना भी बोलते हैं, यानी कि पैर को रंगना, यानी इससे पैर रंगने से पैर जो है वो भरा भरा सा लगता है और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो खाली है। तो सुहाग की निशानी ही है, और कि सुहाग की निशानी है कि भाई सारा चीज़ होता है डेली यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो महिलाएं सिंदूर बिंदी तो लगाती ही हैं, उसी तरह से पैरों को भी सजाना संवारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आलता हमारे पैरों से निकल गया है यानी छूट गया है लगाने के बाद, तो जब छूट गया तो फिर से महिलाएं आलता लगाना पसंद करती है बहुत से लोग। यूपी में खासकर नियम है कि एक मंगलवार और एक शनिवार कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं दोनों लगाया करती है। और भी जगहों पे शायद नियम होगा, मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन यूपी में बहुत ज़रूरी है मंगलवार को और शनिवार को पैर भरना। और यहाँ जो मैं डिज़ाइन लगा रही हूँ देखिए कि कितना ज़्यादा मैं यहाँ बीच में भी बहुत बड़ा सर्कल दे रही हूँ, बहुत बड़ा गोला, और एक पैर का मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह मैं अब दूसरे पैरों में भी लगा रही हूँ। तो यहाँ दूसरा पैर में भी मैं सबसे पहले लाइन खींच ले रही हूँ, कितना मुझे लगाना है वहाँ तक लाइन खींच के उसके बाद फिर उसको भर देना है, फिल कर देना है। तो मैं यहाँ हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू में ली थी
कॉटन बड्स, लेकिन उससे मेरा बहुत स्लो मोशन में लग रहा था। जितना जल्दी हाथों से लगता है उतना कोई भी चीज़ से नहीं लगता है, चाहे तो वो घरेलू कॉटन बड्स हो यानी घर पे बनाया हुआ रुई और धागे से बांध के, उस टाइप से भी मैं बता चुकी हूँ अपने क्लास में, शुरू वाले क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप देख सकते हैं मैं बताई हूँ कि किस तरह से घर पे आप कॉटन बड्स बना सकते हैं। उसमें मैंने वो हेडलाइंस तो नहीं दी है, लेकिन मैं क्लास 1 ज़रूर लिखी हूँ और उसमें बताई हूँ कि किस तरह से आप डिज़ाइन बनाने के लिए या फिर मोटा बेसिक लाइन खींचने के लिए आप किस तरह से आलता लगाएंगे, तो किस तरह से आपका कॉटन बड्स होना चाहिए। घर पे आप बना सकते हो। माचिस की तिल्ली होनी चाहिए और कॉटन होना चाहिए और धागा होना चाहिए जिससे आप सिलाई करते हो, तो वो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आप आलता डिज़ाइन देख रहे हो ये भी एक क्लास के अंदर आता है, आलता क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ अपलोड करती हूँ आलता क्लास, यानी मैं सीरीज से चला रही हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इसी तरह से मेरा अभी जो आलता क्लास है वो 60 क्लास यानी 60 के ऊपर चला गया है। तो आप मेरा आलता क्लास अगर नहीं देखे हैं तो आप आलता क्लास देख सकते हो। मैंने हर आलता क्लास में कुछ ना कुछ आलता के बारे में जानकारियाँ दी हैं और साथ ही साथ आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइंस भी दिखाए हैं और साथ ही मैं सिखाई भी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आलता का क्लास शुरू करिए, तो मैं आलता का क्लास शुरू की थी और मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट बंगाल से ही आया था, तो बंगाली लोग ही मुझे सबसे ज़्यादा बोले थे कि मैं आलता का क्लास लेकर आऊँ। और मैं आलता का क्लास इसी पर लेकर आई थी क्योंकि बहुत से लोग बोले कि मैम आप आलता का क्लास लेकर आइए, तो मैं बोली कि ठीक है लाऊंगी। फिर उन्होंने पूछा कि आप किसी एक दिन फिक्स करिए कि किस दिन आलता का क्लास आना चाहिए, तो मैंने फिक्स किया था कि मैं हर संडे को आलता का क्लास लेकर आऊंगी ताकि लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। और जैसे एक टाइमिंग फिक्स हो जाती है तो अच्छा रहता है कि भाई संडे को आलता क्लास आएगा तो मैं देख लूँगी या देख लूँगा। तो आलता क्लास जो है बहुत से लोग देखते हैं, जो कि कुछ लड़कियाँ हैं और कुछ लड़के भी हैं, तो बहुत से महिलाओं को पसंद होता है आलता लगाना। जैसा कि मैं भी कभी कभी पहले जब भी मुझे आलता लगाना होता था तो मैं हमेशा सर्च करती थी यूट्यूब पे कि सिंपल आलता डिज़ाइन या डिज़ाइन वाले आलता, तो इस टाइप से सर्च करती थी तो आ जाता था, तो मैं देखा करती थी। लेकिन पहले मैं बहुत कम ही आलता लगाती थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू आलता क्लास शुरू कर दी हूँ तो मैं हमेशा आलता डिज़ाइन अपने पैरों में लगाया करती हूँ। अपने क्लास में मैंने बहुत सारे आलता डिज़ाइन दिखाए हैं, इस टाइप के डिज़ाइन भी आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं लगा रही हूँ आलता वो है बंगाली आलता डिज़ाइन, जो कि बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही मोटा है। इस टाइप का मैं आज तक नहीं लेकर आई हूँ। मैं अपने पैरों पर लगा कर तो नहीं दिखा रही हूँ, मैं किसी और के पैरों पर लगा कर दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो मैं बनाई हूँ, आप इसको पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। जैसे कि मैं आलता क्लास जो शुरू की हूँ उसमें मैं आपको अलग अलग टाइप से आलता क्लास सिखाई हूँ, जैसे कि आसान वाला भी, डिज़ाइन वाले भी सिखा चुकी हूँ, यूपी स्टाइल भी आपको दिखाई हूँ अपने क्लास में कि यूपी में किस तरह का आलता डिज़ाइन लगाया जाता है, 2-3 मैंने यूपी स्टाइल डाल रखी है। साथ ही झारखंड और बिहार में किस टाइप का आलता डिज़ाइन लगाया जाता है वो भी दिखाई हूँ। अगर छठी होता है, छठी यानी बच्चा जब होता है तो उसके बाद किस टाइप का आलता डिज़ाइन लगता है वो मैं अपने छठी वाले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, किस टाइप का आलता डिज़ाइन मुझे लगा था, तो वो भी मैं दिखाई हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और यहाँ देखिए जो मेरा आलता है वो लगभग लग चुका है। यहाँ मैंने पायल पहना दी है ब्राइडल, और ये अभी कुंवारी है इसलिए मैं, आप देखोगे कि इनके पैरों में बिछिया नहीं है, तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ कि आप लोग पूछोगे कि भाई बिछिया नहीं है, क्योंकि एक औरत का सिंगार पायल और बिछुआ और महावर से पूरा मतलब कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ ये अभी कुंवारी है तो मैं यहाँ बिछुआ नहीं पहनाई हूँ। और इन्होंने साड़ी पहन रखी है और साथ ही साथ देख सकते हैं कि पीछे एड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी ऊँची। और यहाँ देखिए पैर कितना अच्छा बोल्ड और भरा भरा लग रहा है, आप अभी और आगे देखोगे आलता के साथ साथ पायल की छनकार भी सुनने वाले आपको मिलेगा अभी। तो प्लीज़ वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, जाते जाते भूल मत जाइएगा। और आपको आने वाले समय में इन्हीं का मैं दुर्गा का मेकओवर की हूँ, तो वो भी आप आने वाले समय में देख लोगे। तो यही दुर्गा माँ का मेकओवर करने से टाइम करने समय ही मैं ये आलता डिज़ाइन लगाई हूँ,
तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए।